आज हम आ गए हैं फार्मेसी कॉलेज में। ये फार्मेसी कॉलेज का बिल्डिंग है, नीचे से मैं दिखाऊंगी आपको। ये बॉयज हॉस्टल है और ये गर्ल्स हॉस्टल है, और ये फार्मेसी कॉलेज का बिल्डिंग है। यहाँ पर बी फार्मा, डी फार्मा सब कुछ पढ़ाया जाता है। आप लोग को मैं दिखाऊंगी, उनका लैब भी दिखाऊंगी और उनका कॉलेज भी दिखाऊंगी। आप लोग चलिए मेरे साथ बने रहिए टिल एंड, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, देखिए कॉलेज घूमिए। चलिए देखते हैं फिर। ये है कॉलेज का मेन गेट, देखिए बाहर से लुक ऐसा है। चलिए गेट के अंदर चलते हैं। ये है कॉलेज बिल्डिंग। कितना बड़ा कैंपस है देखिए। ये देखिए, ये है गर्ल्स हॉस्टल, और वो बीच में जो है वो कैंटीन है, और वहाँ पर है बॉयज हॉस्टल। और यहाँ पर भी बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग काम चल रहा है। देखिए कितना बड़ा कैंपस है। यहाँ पर बस भी प्रोवाइड किया जाता है, अगर बच्चे लोग को आने जाने में दिक्कत होगा तो बस से वो आना जाना कर सकते हैं। ये राउरकेला का जबा घाट में है। राउरकेला कोयल नगर पार करके आप झीरपानी पार करेंगे, फिर राइट साइड में रास्ता है, राइट साइड से आएंगे जबा घाट। जबा घाट में एक कॉलेज है, देखिए ये यहाँ का लैब है। बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सुंदर, नीट एंड क्लीन है। आप लोग आइए, देखिए, घूम के जाइए। मैं तो आप लोग को कॉलेज के अंदर का सब कुछ दिखा रही हूँ। देखिए बच्चे लोग कैसे लैब में काम कर रहे हैं। इनका प्रेशर ठीक है ना, बढ़ तो नहीं गया। आप लोग घर बैठे ही देखिए, वीडियो देखिए, फिर डिसाइड कीजिए और आकर डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। इनका 5-6 लैब है और क्लासरूम भी है 5-6। बेटा हार्ट बीट ठीक है? मैं आपको सारा लैब दिखाऊंगी, सारा कैंपस दिखाऊंगी, सारा क्लासरूम दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। आप लोग कौन से ईयर का स्टूडेंट हो? फर्स्ट ईयर। सो मेरे वीडियो पर बने रहिए टिल एंड तक देखिए, आपको मजा आएगा। पूरा अंदर का सब कुछ आप जान पाएंगे, फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा, यहाँ पर आकर एडमिशन लीजिएगा। यहाँ पर बी फार्म, डी फार्म दोनों है। आप लोग को जो कोर्स चाहिए आप लोग उसी में एडमिशन लीजिए। ये देखिए इनका डिजिटल क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम। यहाँ पर बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। हिंदी, इंग्लिश और ओडिया तीनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। बच्चे लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ का इंक्वायरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए, और लोकेशन भी दे दूंगी। आप लोग वहाँ से देख कर कॉन्टैक्ट करके एक कॉलेज पर आइए और एडमिशन लीजिए। मेरा नाम जरूर लीजिएगा, मौसमी। पर सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, देखिए हमेशा पोछा लगता रहता है। ये है यहाँ का ऑफिस। चलिए प्रिंसिपल सर से मिलते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल से मिल लेते हैं, सर से मुलाकात करते हैं, वो क्या कहते हैं अपने कॉलेज के बारे में। चलिए उनसे पूछ कर बताते हैं आपको। गुड मॉर्निंग सर। सर आपके कॉलेज के बारे में कुछ बताइए। ये डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है, जो कि 2019 में एस्टेब्लिश हुआ है जी। और यहाँ पे हमारा डी फार्म और बी फार्म है, जो कि 60 इंटेक है, और ये पीसीआई और बीसीआई से अप्रूव है। और बी फार्म जो है वो अपना बीपीयूटी, बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी राउरकेला उड़ीसा से अप्रूव है जी। एसटीएससी बच्चों के लोगों के लिए कुछ सुविधा है क्या यहाँ पर? जी हाँ, जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्कीम देती है, हम लोग उसको अपील करवाने का हम लोग अपील करवाते हैं। जैसे कि एनएसपी पोर्टल और स्टेट पोर्टल में हम लोग स्टूडेंट्स लोग अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, और हम लोग वो लोग स्कॉलरशिप मिलता नहीं है जी। अच्छा, वो स्कॉलरशिप से उन लोग का पढ़ाई हो जाता है जी। हाँ जी। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू।
चलिए कॉलेज और थोड़ा सा घूम लेते हैं और क्या क्या है देखते हैं। ये है यहाँ का केमिस्ट्री लैब। देखिए बच्चे लोग कैसे लैब में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। टीचर्स भी है यहाँ पर। इस फार्मेसी कॉलेज में सारे प्रकार का सुविधा दिया गया है। यहाँ पर लैब का जो बहुत महत्व रखता है लैब, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। बच्चे लोग को प्रैक्टिस के लिए पूरा टाइम देते हैं, पूरा करवाते हैं। ये कॉलेज 9:30 से सुबह 9:30 से 4:30 तक होता है। बच्चे लोग यहाँ पर हॉस्टल में भी रह सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग है, और नहीं तो वो जाना आना भी कर सकते हैं। देखिए ये और एक लैब है। यहाँ पर सारे मशीन अवेलेबल है। आप लोग एक बार आइए, इस कॉलेज में आइए, घूम के जाइए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और इसका कैंपस घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। यहाँ पर कैंटीन का सुविधा है। बॉयज कैंटीन और गर्ल्स कैंटीन अलग अलग है, और गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल अलग अलग है। आप लोग हॉस्टल में भी रह सकते हैं, नहीं तो आप लोग बाहर से भी आना जाना कर सकते हैं। ये है यहाँ का लाइब्रेरी। चलिए लाइब्रेरी घुमाते हैं। बच्चे लोग यहाँ पर कैसे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए उनका लीजर टाइम में वो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बैठकर शांति से पढ़ते हैं। देखिए हर तरह का किताब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए किताबों से भरती है अलमीरा। हर तरह का किताब मिलेगा आप लोग को यहाँ से। आप इशू करवा के आप पढ़ सकते हैं। कितना नीट एंड क्लीन है देखिए। ये है इनका और एक लैब। यहाँ पर मेडिसिन कैसे बनाया जाता है वो सिखाते हैं। मेरा थोड़ा मिक्स हो गया है बी फर्मा और डी फर्मा का, मुझे पता नहीं चला इसीलिए मिक्स हो गया है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर मेडिसिन कैसे तैयार किया जाता है वो सिखाते हैं। यहाँ का और एक क्लासरूम है देखिए। सर उनको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप लोग को तो यहाँ पर आना चाहिए, जरूर आइए यहाँ पर, आकर देखिए कैंपस घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। ये है यहाँ का कंप्यूटर लैब। देखिए अभी छुट्टी हो गया है, बच्चे लोग जा रहे हैं कैंटीन में खाने के लिए। 1 बज गया, 1 बजे छुट्टी होता है। फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।